डॉक्टर अमजद, हमें इनको कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और साथ में इनको एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी हमें देनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, उसके कमरे में कोई नहीं होता मगर फिर भी वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है, अजीब सी बात। देखिए, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में इस तरह के विजुअल हेलुसिनेशंस का आना, मेरा मतलब है कि चीज़ों को देखना, लोगों का नज़र आना, ये इतनी हैरान कौन बात नहीं है। लेकिन मुझे सख्त ताज्जुब है कि जैसे आपने बताया कि ये बहुत होनहार स्टूडेंट थे और बड़े ब्रिलियंट डॉक्टर हैं। सर, मेरे तो वार्ड में उसकी ड्यूटी होती है और जिस समझदारी से, विजिलेंस से वो केसेस हैंडल करता है, ताज्जुब की बात है। डॉक्टर साहब, आप जो कुछ भी बता रहे हैं ये यकीनन कोई दिमागी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। देखिए खालिद साहब, मैं आपसे गलत बयानी से काम नहीं लूँगा, लेकिन इस बीमारी का इलाज सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब ये कि इसे जो कुछ नज़र आ रहा है, हकीकत और गुमान का ये फ़र्क जो इसके दिमाग में गिडमिड हो रहा है, इसका तो हम इलाज कर सकते हैं, हम इसको दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पे होंगी। आई एम सॉरी टू से, एज सच इसका मुकम्मल इलाज कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक नहीं हो सके। देखिए खालिद साहब, अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल में डाला है, आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल वक्त से भी निकाल देगा। इंशाल्लाह। थैंक यू अंकल। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आई हो? मैं समझी किरण आई है, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, बस अभी आती ही होगी। अल्लाह माफ़ करे। देखा तुमने कैसा मकाफात अमल है? अल्लाह ढील देता है ना तो रस्सी भी वही खींचता है। क्यों, खैरियत क्या हुआ? अरे किरण को वो मजदूर बिल्कुल ठीक बता रहा था। तुम्हें पता है रशीदा का बेटा पागल हो गया है और उसी अस्पताल में जहाँ वो नौकरी करता था। क्या, ये क्या कह रही हूँ? हाँ, अभी मैं आ रही थी ना तो मुझे रास्ते में नजमा मिली थी। उसकी कमेटी डली हुई रशीदा के यहाँ और इस महीने उसी की कमेटी है। उसने जब कमेटी के लिए फ़ोन किया तो रशीदा के शोहर ने फ़ोन उठाया। उसने बताया कोई नफसियाती मसला है और वो अस्पताल में दाखिल है। अच्छा, खुदा के वास्ते बिलकीस, ये बात किरण को मत बताना। लेकिन क्यों? भाई, मैंने किरण की गैर मौजूदगी में ना नासिर और उसकी माँ को बुलवाया था जल्द अज जल्द शादी करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि किरण की जिंदगी में कोई और हादसा हो, वो जल्द अज जल्द अपने घर को चली जाए। लेकिन अफशा, चलो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन किरण को कोई भी ये बात बता देगा, ये बात छुपने वाली तो नहीं है ना। वो ठीक कह रही हो तुम। मैं नजमा को भी फोन करके मना कर दूंगी कि नजमा के और तुम्हारे अलावा किरण को किससे पता चलेगा। वो लोग भी यहाँ से घर छोड़ के, महल्ला छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मुझे लगता है कि वो लोग शादी के लिए जल्दी राजी हो जाएंगे। नासिर के घर वाले तकरीबन मान गए हैं तारीख रखने के लिए इस महीने में। तकरीबन मतलब नासिर तो फौरन ही रजामंद हो गया था, लेकिन उसकी माँ कहने लगी कि वो अपने शौहर से बात करेगी, उसके बाद बताएगी। राजी हो जाएंगे वो लोग, मुझे लगता है। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम देखो अल्लाह कैसे लेकर आया ना रशीदा के सामने। उसने हमारी बेटी पे कैसे कैसे इल्जामात लगाए थे। छोड़ो बिलकीस, मैंने तो सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ कि ये क्या लेके आ रही हो? अरे वो मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई थी तो सोचा किरण के लिए ले चलूं। चाय बनाओ। खालिद, होश आया उसे? होश आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर बेहोश करना पड़ेगा। पता नहीं हमारे किन गुनाहों की सजा हमें मिल रही है। डॉक्टर मुझसे फवाद की हिस्ट्री पूछ रहा था, कह रहा था कि इससे इलाज में बहुत हेल्प मिलेगी उसे। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया, मैंने बताया है कि तुमने कैसे फवाद से उसकी मोहब्बत को दूर किया। तो क्या करती, बच्चा जब आग से खेल रहा हो तो क्या उसका हाथ जलने देती? मैंने आग ही हटा दी। आग तुम्हारी झूठी अनाज, तुम्हारी हठधर्मी, तुम्हारी जिद है। मैं सारी जिंदगी अपने बच्चे की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, उसके मुंह से जो कुछ भी मांगा मैंने जैसे भी किया, मैंने लाके उसको दिया। तो नहीं, ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन ये एक चीज जिस पर बच्चों की जिंदगी का दारोमदार हो, इसके मामले में अजीब से हो जाते हैं। अम्मी बताओ भला क्या पका है? आलू मेथी बना, पूरे घर में खुशबू आ रही है। मेरा बहुत फेवरेट है, आपको पता है ना। मैंने नहीं बनाया, बिलकीस के यहाँ से आया है, ताजी ताजी आलू मेथी। आपने बताया नहीं कि बिलकीस खाला भी आई थी? हाँ, भूल गई थी बताना, अब बता दिया ना। अच्छा सुनो, वो बिलकीस बता रही थी कि नासिर के घर वाले ना जल्दी शादी करने को कह रहे हैं। कौन है देखो जरा, मैं रोटियां लेके आ रही हूँ। बिलकीस खाला ही होंगी, और कौन होगा? आप किरण, तुम चाहे मेरी बेइज्जती करो, जब मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, कुछ भी करो बेटा, लेकिन मेरी बात जरूर सुन लेना। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा पागल हो गया। क्या हुआ है फवाद को? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वरना मैं कभी भी। आंटी अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। लेकिन आप छोड़े इन बातों को, आप मुझे ये बताएं कि फवाद को क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो पागल हो गया है? वो ज़हनी मरीज बन गया है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। अजीब सी बहकी बहकी बातें करता है, दीवारों को देखता रहता है, हंसता रहता है अकेले में बैठकर, और अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं। कहता है कि कोई लड़की है, कि लड़की तो कोई भी नहीं है। कहता कि उससे उसकी शादी हुई है। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? बेटा तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो खुश हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा रशीदा। रशीदा बेगम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब अगर आ गई हो तो हम माँ बेटियां इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, यहाँ से जा सकती हो। अफशा ना मत करना, खुदा के लिए ना मत करना, मेरा एक ही बेटा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी भी एक ही बेटी है और उसे तुमने बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। हाँ, मुझे सजा मिल गई है ना, मिल गई है मुझे सजा। देखो मेरा बेटा पागल खाने चला जाएगा। अफशा तुम तो जानती हो ना मेरा बेटा कितना होनहार डॉक्टर है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अफशा खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मैं इसे अपने सीने से लगा के रखूंगी। नजमा को तुमने क्या कहा था? हमारे घर के बाहर रात को गाड़ियां आके रुकती हैं। हम माँ बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है, सब कुछ बता दिया उन्होंने हमें, इसलिए कि तुम झूठी थी। मम्मी एक मिनट। आंटी मैं फवाद से मिलने जरूर जाऊंगी। किरण, किरण मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उस औरत को हाँ बोलोगी। क्या गलत किया है मैंने? ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। अगर मेरे उससे बात करने से, मिलने से उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे बताएं आप। फवाद ने हमेशा मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, मसला उसकी माँ थी। अम्मी वो आ गई ना, उन्होंने मुझसे माफी मांग ली, मैंने माफ कर दिया। क्या चाहती हैं आप? किरण तुम्हारी शादी होने वाली है इस महीने, तो अगर मैं एक मरीज से मिलने चली गई तो क्या नासिर मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगे? ऐसा तो नहीं है ना अम्मी? तो क्या फवाद से तुम ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं सिर्फ एक मजबूर माँ की मदद करना चाहती हूँ अम्मी। फवाद और मैं मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अम्मी कि आपने नासिर और उनकी अम्मी को जबान दे दिया और मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं जानती हूँ ये बात अम्मी, मैं जानती हूँ। आपने बुलाया था परी? तुमने अपने सारे वजीफे पढ़ लिए? जी। मैं चाहती हूँ कि आप तुम ये जलाली वजीफे पढ़ो। तुम तैयार हो, अब वक्त आ गया कि तुम अपने मौकल को काबू करो। बड़ी ये सब मेरे बस की बात नहीं है, आप कर रही हैं ना, और मैं आपका साथ दे तो रही हूँ। इन वज़ाइफ और अमलियात से मुझे दूर ही रखें, मैं बस घर के काम करूँ। घर के काम हम मौकलों से करवा सकते हैं। जरा सोचो, अगर तुम एक आध मौकल को काबू कर लोगी तो हम और कितने काम कर सकते हैं। हमारी आमदनी दुगनी तिगनी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बस कर दो, बहस का कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया, मैं थक गई हूँ। सारा दिन लोगों के केसेस सुनती हूँ और रात को चिल्ले खींचती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अमली केसेस पकड़ो, अपना मौकल काबू करो, मेरी मदद करो। बड़ी मैं लोगों को डील कर लूँगी। तुम लोगों के साथ डील नहीं कर सकती। और दिलनवाज़ वो मेरी गुलाम है, वो सिर्फ मेरे हुक्म सुनती है। वक्त आ गया है, अब तुम्हें अपना मौकल काबू करना है। जाओ यहाँ से। अम्मी चल ये दूध पी ले। अभी तक नाराज है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही किरण कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इंसानियत इंसानों के साथ बरती जाती है, खुदगर्ज जानवरों के साथ नहीं। अम्मी फवाद मुश्किल में है। अब मुझे लगता है कि उसकी मुश्किल का हल सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ। रशीदा आंटी के यहाँ आने के बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि कुदरत नहीं चाहती कि मैं इस मामले से दूर हटूं। अम्मी क्या आप नहीं चाहती कि मुझे डरावने ख्वाब आना बंद हो जाए? आप नहीं चाहती कि वो बाबा मुझे बार बार ना मिले? आप नहीं चाहती कि मैं सुकून से सोऊं, सुकून से रहूं? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। थैंक यू अम्मी। चलो हम जल्दी से आप ये दूध खत्म करें। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं। जल्दी से पिए। पी लूंगी ना, रख दो अम्मी, अभी पिए। दिलनवाज़, शुक्र है छोटी बीबी आप जाग गई हैं। क्यों, क्या हुआ? छोटी बीबी मेरी मदद कर दें, थोड़ा सा साथ दे दें मेरा। हजरत बीबी अभी सो रही हैं, रात भर चिल्ला काटती रही है। मेरे पास यही वक्त है, मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी हजरत बीबी जाग गई तो उनके जागने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी उन्होंने मुझे कहा था कि ज़ुलेखा के घर जाना है, वही ज़ुलेखा जिसका मियाँ उसे मारता है। मैं सुबह चली गई थी छोटी बीबी, वहाँ पे मैं काम करके आ गई हूँ। वो मैं आपसे वादा करती हूँ हसद बीबी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस आप मुझे जाने दें। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। शुक्रिया छोटी बीबी, शुक्रिया। बेटा फवाद की हालत बहुत खराब है। जैसे ही होश आता है डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है, वरना तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। आंटी डॉक्टर फवाद के लिए ये इंजेक्शन ले आए जल्दी से, डॉक्टर समीर दवाई बदलकर देखना चाहते हैं। खालिद तो जरा नीचे गए हैं, अभी आने वाले हैं। आंटी ये तो अस्पताल के कैबिन से भी मिल जाएगा, आप जाकर ले आए। अच्छा ठीक है किरण बेटा, तुम फवाद का ख्याल रखना, मैं लेकर आती हूँ। दिलनवाज़, दिलनवाज़ तुम कहाँ गायब हो जाती हो यार? कि सब लोग पागल समझ रहे हैं मुझे, मैं पागल हूँ। साहब मैं यही हूँ आपके पास। बहुत अच्छा, क्या आज हमें सबसे मिलना होगा। चलो आ जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जा सकती कहीं, मजबूर हूँ, नहीं मिल सकती किसी से। लेकिन क्यों? कहा ना मैं मजबूर हूँ, खुदा के लिए मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। अच्छा मजबूर हो, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या मजबूरी है। वो तो बहने मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना माँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं उनको, सारी दुनिया को, सबको सच बता दूंगा तुम मेरी बीवी हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुम्तहाना मजबूर हूं मैं, नहीं मिल सकती किसी से। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मिलना होगा, तुम्हें मिलना होगा। साहिब, जब सही वक्त आएगा तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अभी मैं किसी से नहीं मिल सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी, तुम्हें लगी तुमसे बहुत बार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं है, तुमसे बहुत बार करता हूँ, तुम बीवी हो मेरी, प्लीज मेरे पास सामने लोगों के सामने आ जाओ। मैंने बस गुस्से में कर दिया था बस। तो तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है ठीक है, ये सब पागल समझते हो, मैं पागल लगता हूँ यार। देखो मैं ठीक में खुद डॉक्टर हूँ, मैं नहीं हूँ दिलनवाज़। आप पागल नहीं हैं, मैं मजबूर हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर फवाद, तुमने डॉक्टर साहब, ये देखें, ये दिलनवाज़ है, ये मेरी, आप देखें, आपको नजर आ रही है ना? देखें देखें साहब, मैं आपको, मैं एक सेकंड, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सेकंड, नोबडी, एक सेकंड, झूठ बोलते हम हर। आप इधर, ये देखो, आपको नजर नहीं आ रही, डॉक्टर फवाद, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। डॉक्टर फवाद, डॉक्टर आप यकीन करें मेरा यार, मैं बीवी से बात कर रहा हूँ अपनी, मुझे सॉरी। जिसको इस हाल में पहुंचाया है उससे माफी मांग, हमसे क्या माफी मांग रही है? अच्छे भले आदमी से तो सब मोहब्बत कर लेते हैं, किसी दीवाने से मोहब्बत करके दिखा तो माने। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। छोटे जी, बड़ी तुम अभी तक जाग रही हो? बड़ी मैं तो सुबह सवेरे ही जाग जाती हूँ, जबकि रात को देर से ही सोई थी। इसका मतलब तुमने अमलियात शुरू कर लिए हैं, शाबाश। नहीं बड़ी, वो बस पहले वाले वज़ाइफ ही मुँह ज़बानी याद करने की कोशिश कर रही। चलो अगले हफ्ते तक तो शुरू कर ही दोगी। छोटी, तुमने दिलनवाज़ को देखा? अमूमन जब मेरी आंख खुलती है वो मेरे कमरे में पहले से मौजूद होती है, आज पहली दफा मैंने कहा है। तुमने कहीं भेजा तो नहीं उसे? मैंने नहीं बड़ी, मैंने तो कहीं भी, मैं यहाँ हूँ हज़रत बीबी। मिठाई खाने का दिल चाह रहा था तो सामने दुकान पे मिठाई खाने चली गई थी। हाँ, वक्त हो गया लोगों के आने का, तुमने यहीं रहना है। आज मैंने हजरात की खास दुआ करनी है। किरण, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पिक करूंगी। तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हुई हूँ। तुमने रशीदा को भी कुछ नहीं बताया, बिना बताए तुम हॉस्पिटल से आ गई। अम्मी, फवाद बिल्कुल पागल हो चुका है, वो पता नहीं कितनी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा था। उससे मैं पता नहीं किससे लड़े जा रहा था, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने तुम्हें भी नहीं पहचाना? क्यों पहचानता कैसे, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसके सामने जा सकूं, लेकिन मैं उसे बाहर से देख रही थी। पता नहीं किससे लड़े जा रहा था, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई अंदर की चीज से जिससे वो लड़े जा रहा था। मेरी बात सुन, बैठो बैठो। देखो मेरी जान, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। जो कुछ रशीदा ने तुम्हारे साथ किया है, आज वही सब कुछ अल्लाह ताला उसे दिखा रहा है। बेटा तुम इन चक्करों में ना पड़ो, अपनी जिंदगी खराब मत करो। अम्मी मैं जब वापस आ रही थी ना, तो मुझे वहाँ वही बाबा मिला हॉस्पिटल में। हाँ वो मेरे हाथ से तो वही एडमिट है। उसने कपड़े भी बिल्कुल हॉस्पिटल के मरीजों वाले पहने थे। कोई नर्स उसको लेके जाई थी, लेकिन वो मुझसे बात कर रहा था। उससे तुमसे फिर बात की? क्या बात की बोलो। मम्मी उसने मुझे कहा कि अच्छे भले इंसान से तो हर कोई मोहब्बत करता है, दीवाने से मोहब्बत करके देखो तो जानिए। क्या देखो बेटा, वो एक जहनी मरीज है। देखो ना, दिमागी मरीजों के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बड़बड़ाहट पे ध्यान देना नहीं बनता। उसकी बड़बड़ाहट नहीं है अम्मी जान, मुझे उसकी हर बात बहुत साफ समझ आती है। मुझे एक बात बता, वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर तुम्हें सड़कों पे कैसे मिला, आ कैसे गया वो घर? ये तो वही बता सकता है। क्या मतलब, अब तुम जाओगी उससे मिलोगी, उससे पूछोगी? कौन है, किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। हाँ बेटा किरण, फवाद का फोन उठाया था तुम्हारा नंबर लेने के लिए, अब तुम्हारी सामने तस्वीर नजर आ गई। जी आंटी। बेटा तुम मिले बगैर ही चली गई, बर्दाश्त नहीं हुआ ना फवाद की यह हालत देखकर। सोचो मैं तो माँ कैसे बर्दाश्त करती होगी इसकी ये हालत देखकर। बेटा तुमने बस हिम्मत करनी है। जी। अगर आ सकती हो तो सुबह 11 बजे आ जाना, फवाद उस वक्त जाग रहा होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इंशाल्लाह टाइम पर कल आ जाऊंगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तुम दोबारा जाओगी किरण? मुझे गुत्थी सुलझानी है, ये हर चीज पलट पलट कर मुझे फवाद तक क्यों लेके जा रही, हर रास्ता मुझे फवाद के सामने ले जाकर क्यों खड़ा कर देता। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, और पता है आपको, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं सुकून से नहीं रह सकती। अम्मी मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है। प्लीज अम्मी इस मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ देते हैं, मैं आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज अम्मी। अब कहाँ जाना है? ऊपर ही होगा, पीछे से पूछना। एक्सक्यूज मी भाई, वो नफसियाती मरीजों का वार्ड किस तरफ है? वो आगे जाके सीधे हाथ पर है। थैंक यू। अम्मी मुझे क्या मालूम यार, आप मैं भूल गई ना। हमारे वार्ड में तो 25 कमरे हैं, इत्तेफाक से सारे के सारे फुल हैं, और बगैर नाम के पता करना बहुत मुश्किल है। देखिए मुझे नाम उनका नहीं मालूम, लेकिन हाँ काफी बूढ़े से हैं वो, और उनकी सफेद दाढ़ी है। चेक कर लें प्लीज। सोफिया ये शायद किफायत बाबा की बात कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे वार्ड में एक ही इतना बूढ़ा मरीज है। अच्छा मुझे, अगर आपको मालूम है तो आप इन्हें ले जाए। ठीक है आप आइए मेरे साथ। जी आप तो वही है ना जो कल भी आई थी उनसे मिलने? जी मैं अम्मी के साथ आई हूँ आज। अम्मी वो ना ही किसी से बिलावजह बातें करते हैं और ना ही हिलते जुलते हैं। कल भी मैंने उन्हें कुर्सी पर लाकर बिठाया था, आज भी वो वहीं बैठे हुए हैं। आइए। शायद बाबा देखें आपसे कौन मिलने आया है। बाबा कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत कभी होगी भी तो इस तरह इतनी कैद में जकड़ी हुई, और वो भी एक इंसान से। तुम्हारे तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं दिलनवाज़, उन्हें तुम्हारी मोहब्बत समझ नहीं आएगी, लेकिन साहिब तो समझ गए हैं ना, उन्हें तो वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है। देखो ना क्या हाल बन गया उनका कुछ ही दिनों में। लेकिन मुझे इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। दिलनवाज़, जिन हो या इंसान, मोहब्बत इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर आका हज़रत सुलेमान के दर से मुझे मोहब्बत की ये दौलत मिली है तो मुझे इसका पास रखना होगा। मुझे जंजीरें तोड़नी होंगी, इस गुलामी से निकलना होगा। वरना साहिब, नहीं, साहिब को कुछ नहीं हो सकता। उन्हें कुछ हो जाने से पहले मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। फवाद, देखो बेटा कौन आया है। देखो तो सही, किरण आई है तुमसे मिलने। कैसे हो फवाद? मैं किरण। नहीं फवाद, किरण, मेरी आंखों में देखो। दिलनवाज़ की आंखें बहुत प्यारी हैं, बहुत गहरी। मैं डूब जाने का जी चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ। कौन दिलनवाज़? किसकी बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? मेरी जान दिलनवाज़, दिलनवाज़ जैसा कोई नहीं, दिलनवाज़ जैसा कोई नहीं। मैं दिलनवाज़ का, दिलनवाज़ जैसा कोई नहीं, दिलनवाज़ जैसा। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। नहीं बेटा, फवाद का इलाज नहीं हुआ। तुम एक दफा उससे मिलके तो दोबारा बात करो उससे। उसके दिल में अब कोई और है। नहीं बेटा, तुम्हारे अलावा उसके दिल में कोई नहीं है। वो तुम्हारी वजह से तो पागल हुआ है, इस हाल तक पहुंचा है। तो फिर वो मुझे देख के खुश क्यों नहीं हुआ? उसकी आंखों में जिंदगी क्यों नहीं आई? बेटा, उसके दिल में कोई ऐसी कोई भी ऐसी लड़की नहीं है सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम हो बेटा। अम्मा, अम्मा। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। सर में बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, बहुत थकावट। तुम लेटे रहो बेटा। थक गया हूँ मैं लेटे लेटे अम्मा, थक गया हूँ मैं। दिलनवाज़ मेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे बस उठना। उठ, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दी है ना, तुम आराम से लेटे रहो। कौन है आपके साथ? किरण। किरण, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है किरण, दिलनवाज़ ठीक नहीं है। माँ घर चलो, माँ उठना है। आप तावीज़ लाई थी? हाँ हाँ बेटा, किरण के लिए नफरत, अपने बच्चे की मोहब्बत, मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, माफ कर दो मुझे। का वास्ता अम्मा, आप तो किरण का पीछा छोड़ दो, उसको जीने दो सुकून से, खुदा का वास्ता। तुम्हारी भी तो वो जान है। शादी हो गई है मेरी, मैं शादीशुदा हूँ दिलनवाज़ से। दिलनवाज़ कितनी दफा बताया, सबको बता रहा हूँ, चीख चीख के बता रहा हूँ। दिलनवाज़ से शादी इंतजार कर रही होगी, वो ढूंढ रही होगी मुझे। दिलनवाज़